सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपे। आज पवित्र आत्मा यहाँ है हमें लीड करने के लिए, हमें उस पवित्र स्थान में पहुंचाने के लिए, उस भरपूरी में पहुंचाने के लिए। आइए सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। आज की सभा को हम शुरू करेंगे जब अपना सब कुछ, अपने पूरे विचार, अपना हृदय, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपते हुए आज हम प्रभु के करीब आ गए। हम विश्वास करते हैं कि आज पवित्र आत्मा हमें अपनी भरपूरी में लेकर चल रहा है। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर।
प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, क्योंकि हम देखे हुए वस्तु के अनुसार हम नहीं चलते, लेकिन सचमुच हम विश्वास से चलते हैं। और जब विश्वास करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ है, तो उसे महसूस भी करने लगते हैं। आमेन। आइए हम यीशु मसीह का नाम जो सच्चा है, आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाए, आइए हम उस नाम की आराधना करें, उसकी महिमा करें। आइए हम सभी मिलकर कहें, जपता रहो, जपता रहो यीशु का नाम, मैं सदा जपता रहो। Yeah.
टीचर से सीखा था और वो छोटी सी बात बहुत मज़ेदार थी। मैं छोटी सी बात को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये था कि जब लोग प्रायः देखते हैं कि गांव में ऐसा होता है कि कुछ फेस्टिवल हुआ, फेस्टिवल नहीं बोलेंगे, पार्टी होता है, तो लोग जब जाते हैं तो अगर टेंट के अंदर जगह नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दीवार में चढ़ के या कोई ईंटा उट्टा भी उठा करके उसमें बैठ जाते हैं और पत्री में खाना मिलता है, दाल मिलता है, उससे वो बहरा होता है दाल, चिकन मिलता है और सब उसको कहीं पर बैठ के मस्त पूरा हाथ से खाते हैं। और सचमुच गांव का जो खाना रहता है ना बहुत टेस्टी लगता है। क्या आप लोग कभी खाए हैं? लेकिन अगर वही गांव के लोगों को एक दिन अगर ऐसे स्थान में ले जाया जाए, एक महीना के लिए कोई राज घराने में उन लोग को इन्वाइट कर लिया जाए, एक महीना जैसे बोर्डिंग स्कूल में जाया जाता है वैसे उन लोग को वहाँ ले जाया जाए, और फिर वह जो वहाँ जाते हैं बड़ा सा मेज बिछाया जाता है, वह बहुत तरीके के खाने के सामान बहुत कुछ रहते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाता है कि साथ में उन्हें इतना बड़ा बड़ा स्टिक या कुछ मिल जाता है, चम्मच सब कुछ कुछ, अब उससे खाना बहुत मुश्किल। अब हो सकता है कि अगर वो चाउमीन उठा रहे होंगे तो वो चल के दूसरे के प्लेट में चला जाता हो, पॉसिबल है, आता नहीं है ना। क्या आप लोग कभी स्टिक से खाए? बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उनके पास जब वो उस स्थान में गए हैं तो उन्हें वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, और शुरू में दिक्कत होगा लेकिन एक समय जरूर आता है चाहे वो एक महीना होते होते वो लोग उस स्टिक से खाना शुरू कर देते हैं। और जो भी अच्छा अच्छा जो खाना मिलता है हम लोग को, बहुत ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन, उसको लोग खाते हैं, संतुष्ट होते हैं, हृष्ट हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस बात से हम लोग को ये बात बता करके इनकरेज करना चाहते हैं कि हमारा पास्ट कुछ भी हो सकता है या हमारा प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हम लोग एक नए स्थान में, एक भरपूरी के स्थान में हम लोग ला दिए गए हैं, जहाँ सचमुच कोई कमी नहीं है, जहाँ कोई निर्धन नहीं है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ ऐसा प्रेम है जो कुड़कुड़ाता नहीं है, जो झुंझलाता नहीं है, जो घमंड नहीं करता है, जो दिखावा नहीं करता है। अद्भुत अद्भुत, मतलब वो लाइफ स्टाइल एकदम स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह का स्टैंडर्ड है। क्योंकि वचन इस बात को बतलाता है कि यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हम प्रभु यीशु मसीह के संग की वारिस हैं, जो कुछ यीशु का है वो हमारा है। तो हो सकता है कि जब हम लोग प्रभु में पढ़ रहे हो तो हमें लगे कि हमसे नहीं हो रहा है, हम बार बार गिर जा रहे हैं, हम बार बार पवित्र जीवन जीना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, या हम बार बार हम प्रेम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं। तब एक काम हमारे सामने, जैसा वो लोग करते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो लोग अपने आप को डिटरमाइन कर लेते कि नहीं, सीखना तो पड़ेगा ही। अगर आज हम अपने इरादों को बुलंद कर ले कि नहीं, हम बार बार गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम फिर से खड़े होंगे और प्रभु के लिए चलेंगे, तो एक दिन ऐसा आता है हम विश्वास करते हैं, हम आप लोग के लिए विश्वास करते हैं, हम अपने लिए विश्वास करते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब लोग हमें देखेंगे वो यीशु मसीह के स्वभाव को देखेंगे। आमेन। जब लोग हमें देखेंगे वो हमें देखकर यीशु मसीह को जानेंगे, जब लोग हमें देखेंगे वो हमें देखकर के यीशु की महिमा करेंगे। आमेन। तो क्या आज आप अपने इरादों को बुलंद करने के लिए तैयार है? तैयार है? प्रेज गॉड। आइए हम इस
हम इस बात को बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं इस टीम में. आई थिंक मुश्किल से एक साल हो रहा होगा जब हम इस टीम से जुड़े थे, और सचमुच बहुत प्राउड वाला बात है कि हमारे टीम में, चाहे आप यहाँ पे किसी को बजाते हुए देख रहे हैं या शायद साउंड केबिन में, हर कोई परमेश्वर के अनोखे गिफ्ट से भरा गया है. कोई प्रोफेसी करता है, कोई हीलिंग करता है, देखने से नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम इस टीम से जुड़े तब इस बात को जाने कि सीरियसली कि परमेश्वर का गिफ्ट भयानक ऑपरेट करता है. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे तो भी हमारी दीदी लोग जान जाती हैं, अंजलि कुछ तो गड़बड़ है, बताओ. तो जब हम इस चीज़ को देखते तो हमें ऐसा लगता था कि प्रभु हम तो कुछ भी नहीं है लोग के सामने, मेरा तो कुछ भी नहीं है. तो आज कुछ ऐसा हुआ जब हम यहाँ आ रहे थे, गर्मी बहुत है, आप लोग सबको जानते हैं, और न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि हमारे जो रांची का जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा रहा है. सुने हैं, न्यूज़पेपर में देखे होंगे. तो आज ऐसे ही हुआ, हमको यहाँ 12 बजे पहुँचना था और ऐसा हुआ कि पानी का जो लेवल था हमारा जो हॉस्टल में, वो काफ़ी मतलब गिर ही गया था ही नहीं, और हमको यहाँ आना था. तो हम बगल वाले आंटी के घर जाके सोचे फ्रेशअप हो जाते हैं आने के लिए. तो हम उस समय बाथरूम में प्रे करने लगे टंग्स में, और हम बस इसी बात को बोल रहे थे कि प्रभु आपका वचन इस बात को बताता है कि स्वर्ग तो आपका भी पृथ्वी आपने मनुष्य को दी है, और प्रभु हर एक लोगों को घटी हो सकती है, पर पिता जब आपके डरवैये जहाँ होते हैं उन लोगों को कभी किसी बात की घटी नहीं होती है. तो अभी हम इस घड़ी यहीं पर खड़े होकर क्लेम करते हैं, जब हम वापस जाके देखेंगे तो पानी का स्तर बढ़ जाना चाहिए. जब हम जाके फ्रेशअप हुए, जाके देखे तो पानी का स्तर नहीं बढ़ा था. हम रेडी हुए, फिर जाके देखे, पानी का स्तर नहीं बढ़ा था. फिर हम सोचे कि शायद मेरा फेथ में कमी होगा. फिर हम सोचे नहीं प्रभु आप बढ़ाइएगा, इतना सा 1% भी बढ़ा देंगे मेरे लिए इनफ है, बस हम बढ़ते हुए देखना चाहते हैं. क्या आपको लगता है पानी का लेवल बढ़ा होगा? प्रेज द लॉर्ड, पानी का लेवल बढ़ जाता है. और जब हम यहाँ आए थे मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, और हम दीदी को बोल रहे थे कि दीदी भले छोटा सा पर एक छोटा सा मिरेकल मेरे से. हालेलुया. आज इस बात से हम आपको इस बात को इंकरेज करना चाहते हैं, बोलिए कि अपने फेथ को अप्लाई करिए बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, जॉब के क्षेत्र में नहीं, पर अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने वाटर लेवल के लिए, या जो कुछ की भी कमी है आपके लाइफ में उस चीज़ को फेथ से क्लेम करिए कि प्रभु हमें घटी नहीं होगी क्योंकि आपका वचन बताता है. और परमेश्वर सीरियसली आपके फेथ को वैल्यू करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है. प्रेज द लॉर्ड. आप में से कोई जरूर, भाइयों में से दो जन तैयार रहिएगा.
और बहनों में से दो शब्द कि आप लोग सामने आए। जीवन में एक बदलाव को लेकर आ चुका है।
क्योंकि आप सच्चे हैं और हमारा विश्वास, हमारा भरोसा
Yes.
आपकी आराधना करना प्रभु सचमुच हमारे लिए आशीष है, क्योंकि जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु हम नए हो जाते हैं, प्रभु हमारा दुख प्रभु हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम कितने संघर्ष में जी रहे हैं, हम भूल जाते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड आपकी उपस्थिति के लिए। आइए जब हम सचमुच हम भर चुके हैं, हम प्रभु की उपस्थिति से भर चुके हैं, अब हमारे हृदय में कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई चोट नहीं है, सचमुच हम आनंदित हो चुके हैं, हम सब भूल चुके हैं, इस वक्त सिर्फ यीशु और हम हैं। तो आइए हम यीशु के नाम को ऊंचा करें, आइए हम सभी अपने आवाज को उठाकर एक अंतिम बार हम कहें, अपने जीवन में कहें, यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं आइए वो संघर्ष के ऊपर उठ के कहें कि यीशु तेरा नाम ऊंचा है। आज हम जहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। Thank you Jesus, thank you God, यीशु, यीशु तेरा नाम मेरे जीवन में। आपके स्वर्गदूत यहाँ चल फिर रहे हैं,
आपके उपस्थित अद्भुत रीति से है, आप हमारी आत्मा को कायल कर रहे हैं। धन्यवाद कि इस वक्त प्रभु आप हमसे बोलने, हमसे बातचीत करने जा रहे हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम सीखने वाला मन लेकर के हम आपके करीब आते हैं। जैसा वचन बताता है कि भीड़ की भीड़ आपके पास आती थी यीशु आपको सुनने के लिए, क्योंकि जब आप मुंह खोलते थे प्रभु, जब आपके मुंह से वचन निकलता था प्रभु, वो प्रभु लोगों को संतुष्ट करता था, वो लोगों के जीवन में शांति लाता था, वो लोगों के जीवन को नया कर देता था, वो अनंत जीवन को पाकर जाते थे। प्रभु वचन कहता है कि प्रभु आज भी आप जीवित हैं। प्रभु इसलिए पिता हम वही मिरेकल प्रभु जो आप उस समय करते थे हम आज महसूस करना चाहते हैं, हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि यीशु हमारे बीच में है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ शब्द में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप हमसे बोलने जा रहे हैं, आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। आज कुछ तो नया होने जा रहा है हमारे बीच, कुछ तो नया हो रहा होने जा रहा है हमारे जीवन में। आज हम यहाँ पर आपको देख करके हम यहाँ से जाएंगे, हम विश्वास करते हैं और हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं कि हम आज यहाँ से आपको लेकर के जाएंगे, आप में और ज्यादा बढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आना कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। आप में परिश्रम करना, आप में आंसू को बहाना, आपको सुनना कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। थैंक यू लॉर्ड। और इस प्रार्थना को मानते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से। आमेन, 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 आमेन।